नुकसान बाल विवाह के भी है, तो नुकसान बस इतनी सोकन खुआई के बाल विवाह नहीं करना है, या कुछ और बताए थान, और की कौन बताए, बस आई कमी है, नुकसान कौन बताया, नुकसान नहीं बताए, ओहो के वह बस इतना ही नुकसान होगी, मैं देखिए तो कोई बात करिए वैसे तो जा ठीक है ब्याह आजकल 17-18 ही आ जाए, कोई बात को नहीं, टब्बर जो है ये बड़ी अच्छी बात कही है, टब्बर जो है वो जाम लिया 25, लड़की की उम्र लगभग 22-23 पर टब्बर जाम लेना चाहिए, 25-26-27 तक, क्यों, क्योंकि 25 के बाद आप में कोई ना कोई रोग आ जाएगा आपके शरीर में, 30 के बाद तो कन्फर्म है आप में बीपी की शुगर की कुछ ना कुछ आप में रोग आ जाएगा शरीर में, और जब पिता रोगी है तो उसकी संतान भी रोगी ही उत्पन्न होगी, क्योंकि पिता जो है संतानोत्पत्ति के समय एक पिता भगवान का रूप होता है, क्योंकि नया जीव या तो भगवान देता है या पिता देता है, उस समय आपकी अवस्था कैसी है, आपकी मानसिक अवस्था भी अच्छी होनी चाहिए, उस समय किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, संतानोत्पत्ति के समय आप किसी प्रकार के नशे में नहीं होना चाहिए वरना लीदी सी जमेगी, क्योंकि उस समय आप तभी तो कहते हैं कि यार वो हरामी और सदा ही हरामी रहे, वो हरामी रहेगा ता उम्र, क्यों, क्योंकि संतानोत्पत्ति के समय उस पिता की कैसी परिस्थितियां थी उसी के अकॉर्डिंग आएगा, इसलिए उस समय संतानोत्पत्ति मतलब संतानोत्पत्ति माइंड एकदम सही स्वस्थ, क्योंकि उस समय आप भगवान का रूप हो, और भगवान का जब रूप था तभी तो अच्छी, तभी तो देखो आज तक कितने महान पुरुष हुए, गिने चुने कितने बुद्ध हुए, कितने महावीर हुए, कितने नानक हुए, कितने विवेकानंद हुए, कितने अंबेडकर हुए, गिने चुने, क्यों, टेंशन आपा भरिया पड़िया, जलन आपा भरिया पड़िया, पापी हरामी आपा, तो इसी अपनी संतान जामेगी, और आने वाली पीढ़ियों में तो संतान और ही घटिया जानती जाए, क्योंकि लोग उतने घटिया होते जा रहे हैं, तो उस समय थोड़ा ध्यान रखियो, 35-30 के बाद में नहीं, क्यों, आप में रोग आ जाएगा, तो जाम लियो जी तो जल्दी उसका 25 तक, जनसंख्या बढ़ाना तरीका बताओ और की कोनी है, चलो बाल विवाह तो आजकल को नहीं 21-22, लेकिन बाद में भी विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होते कुछ लोग ऐसे हैं जो नौकरी लगवा उसे लगता है मैं RS IAS बन जाऊंगा, अब बनते बनते वो बाद में जाके विवाह करता है 40 पे, इसमें तो करना ही नहीं चाहिए, क्यों, 40 पे वो विवाह करेगा, RS लागे 22 साल की छोरी लिया होगा, अब इन समझ में कौन आप पापा है पति है, क्योंकि आप पापा की उम्र है, तो अब नुकसान कहां होता है, उनकी पारिवारिक जो लाइफ है वो खत्म हो जाती है, उन्हें नहीं पता चलता बाहरी से वो बड़े अच्छे लग रहे हैं आपको कि कितनी अच्छी लाइफ है उनकी, नहीं, क्योंकि आप भी बताए विवाह जो है वो इसलिए व्यक्ति ने किया, विवाह हमने विवाह जो रचाया इसलिए रचाया कि व्यक्ति जो है अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सके, जो हमारे अंदर इच्छाएं उत्पन्न होती है 14 के बाद, जो 21-22 पे चरमोत्कर्ष स्थिति 18 पे, अब इस बेचारी लड़की की काम जो कामुकता है वो उत्पन्न हुई है 21-22 साहब की खत्म होने पे आ गई, क्योंकि 40 के बाद में आपकी इच्छाएं खत्म होती जाएगी, यहां बढ़ रही इसलिए उनकी पारिवारिक लाइफ खत्म हो जाती है, तो विवाह की भी एक उम्र, आरिस बढ़ना है बढ़ो यार कोई बात नहीं, तो लियाओ जब फिर 35 की लियाओ, नहीं लाइफ खराब हो जाएगी, क्यों, इसका शुरू हुआ है आपका ढलान पे आ गए, थार्मो ही कही है 40 पर जाए करूं यार, तो क्योंकि बेचारे कोई और को भविष्य क्यों खराब करे, क्योंकि 40 गए 22 सारी मिल जाएगी, आरिस लगे जी, लेकिन आपकी पारिवारिक लाइफ खत्म हो जाएगी, शरीर में आज जो एनर्जी है वो 5 साल बाद नहीं रहेगी, फिर 5 साल बाद नहीं रहेगी, शरीर तो जवाब देगा आप कितने ही कुछ होंगे, शरीर धीरे धीरे जवाब, अच्छा क्या मैं आंसर ऑनलाइन आ रहा हूं, कुछ ज्यादा बता दिए, ज्ञान की बात मन कम पूछे करो, पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दे करो, ठीक है, लेकिन ए तो किताब में ही मिल जाए, मैं जी बताइए किताब में कौन मिलेगी, बस सारी उम्र भटकता रहा तो भी कौन मिला, हाँ बहुत ही धनाढ्य पुरुष है,